Welcome to my class. In this video lecture, we will talk about Information Technology Act 2000. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को हमने 21 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, जिसके अंदर ये पार्ट नंबर 10 है, एट्रीब्यूशन एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। यहाँ पर 1 से 10 तक ये डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, 11 से 21 वीडियो लेक्चर के टॉपिक नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर दिए गए हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस 10th पॉइंट, दैट इज एट्रीब्यूशन एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सेक्शन 11। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे, ये एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का क्या मतलब है, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसको समर्पित किया जाए, ये हमारे पास किसकी तरफ से आया है, इसका श्रेय हम किसको दें, हम किसको इसके लिए जिम्मेदार माने, दैट इज एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनेटर। एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड माना जाएगा कि यह ओरिजिनेटर की तरफ से आया है, इफ इट वॉज सेंट बाय द ओरिजिनेटर हिमसेल्फ। जिस व्यक्ति ने इस रिकॉर्ड को जनरेट किया है, उसी व्यक्ति ने इस रिकॉर्ड को हमें भेजा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि यह रिकॉर्ड ओरिजिनेटर ने खुद हमें भेजा है। सेकेंड पॉइंट, इट वॉज सेंट बाय ए पर्सन हु हैड द अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। हम ये मान के चलेंगे कि ये एक उस व्यक्ति ने रिकॉर्ड को भेजा है, जिस व्यक्ति को ओरिजिनेटर ने अथॉरिटी दी कि तुम मेरे बिहाफ पर रिकॉर्ड को भेजो। द थर्ड पॉइंट, दिस रिकॉर्ड वॉज सेंट बाय एन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम बाय आर ओन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनेटर टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली। स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, इसको समझिएगा। सपोज कीजिएगा, बैंकर आपको हर महीने आपकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फर्स्ट ऑफ मंथ को आपके ई मेल पर भेज देता है। इस केस के अंदर ये इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमने इस तरह से प्रोग्राम किया, बैंक के कंप्यूटर प्रोग्राम को हमने इस तरह से प्रोग्राम किया कि वो बैंकर के बिहाफ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भेज दे। तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम किया गया है जो ओरिजिनेटर, जो कि बैंकर के बिहाफ पर ऑटोमेटिकली ऑपरेट करके हमें रिकॉर्ड को भेजता है। अब यहाँ पर हम ओरिजिनेटर के मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। ओरिजिनेटर मीन्स ए पर्सन हु सेंड्स, जनरेट्स, स्टोर्स आर ट्रांसमिट एनी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज आर कॉजेज एनी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज टू बी सेंट, जनरेटेड, स्टोर्ड आर ट्रांसमिटेड टू एनी अदर पर्सन। एक ऐसा व्यक्ति जो एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को भेजता है, जनरेट करता है, स्टोर करता है, उसे ट्रांसमिट करता है, या कुछ ऐसा करता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंट हो जाए, जनरेट हो जाए, स्टोर हो जाए किसी दूसरे व्यक्ति के पास, बट that person does not include an intermediary like web browsers. अगर एक व्यक्ति किसी particular message को send करे, generate करे, store करे, transmit करे किसी दूसरे व्यक्ति को, तो हम ये मानेंगे कि यह व्यक्ति originator है। लेकिन originator की परिभाषा के अंदर हम intermediary को include नहीं करेंगे like web browsers. मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे web browsers के example दे रहा हूँ, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Netscape Navigator, ये सारे के सारे वेब ब्राउजर्स हैं, ये इंटरमीडियरीज हैं। इनकी मदद लेके हम इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। वेब ब्राउजर्स की हम मदद ले रहे हैं, ये सारे के सारे इंटरमीडियरीज हैं, दे आर नॉट दी ओरिजिनेटर्स। सिमिलरली हमारे पास जीमेल, ये भी एक इंटरमीडियरी है जो कि हमारी मेल को एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे तक पहुंचाता है। सो
ओरिजिनेटर की परिभाषा के अंदर हम इन इंटरमीडियरीज को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब यहां पर मैं इंटरमीडियरी को आपके सामने बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। इंटरमीडियरी विद रिस्पेक्ट टू एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मीन्स एनी पर्सन हु ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन रिसीव्स स्टोर्स आर ट्रांसमिट्स दैट रिकॉर्ड आर प्रोवाइड्स एनी सर्विस विद रिस्पेक्ट टू दैट रिकॉर्ड। और इस इंटरमीडियरी की परिभाषा के अंदर हम कुछ पर्संस को ऐड कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक वी हैव MTNL, जियो, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। वी हैव नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर एग्जाम्पल AT&T अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीकम्युनिकेशन, NTT निप्पन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कॉरपोरेशन। इवन ऑल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स दे आर इन द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडियरी। हमें एयरटेल या वोडाफोन इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट ये भी इंटरमीडियरीज हैं। वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर लाइक ब्लू होस्ट, लाइक होस्ट गेटर, सर्च इंजन्स लाइक गूगल, लाइक बिंच, ऑनलाइन पेमेंट साइट्स लाइक पेटीएम, योनो, SBI, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडियरी। ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स eBay, bidspotter.com, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस Amazon, Walmart एंड ऑल अदर साइबर कैफेज अराउंड अस, दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडियरी। तो स्टूडेंट, अब आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। इंटरमीडियरी एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे के बिहाव के ऊपर कोई मैसेज या रिकॉर्ड को रिसीव करता है, स्टोर करता है या ट्रांसमिट करता है, लेकिन वो मैसेज या रिकॉर्ड उसके लिए नहीं है। ये किसी और व्यक्ति के बिहाव पर किसी मैसेज को रिकॉर्ड कर रहा है, किसी मैसेज को स्टोर कर रहा है या ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन ये मैसेज इस व्यक्ति के लिए नहीं है। इसके बाद मैं आपसे रूल्स रिगार्डिंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय द एड्रेसी और रिसीवर लूंगा। एड्रेसी एंड रिसीवर मीन्स वन इन द सेम थिंग। सेक्शन 12 के अंदर इससे रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। सेंडर एक रिकॉर्ड को या इंफॉर्मेशन को भेजता है और वो चाहता है कि उसे उस बात की एक्नॉलेजमेंट मिल जाए कि रिसीवर को वो रिकॉर्ड मिल चुका है। इसके लिए प्रोविजन सेक्शन 12 के अंदर दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 ले रहा हूं, जिसके के अंदर यह कहा गया है। द फर्स्ट पॉइंट, नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग एक्नॉलेजमेंट। दो पार्टीज सेंडर और रिसीवर के अंदर कोई एग्रीमेंट नहीं है जो रिकॉर्ड भेजा जाएगा उसके एक्नॉलेजमेंट दी जाए या ना दी जाए। वेयर द ओरिजिनेटर, हम ओरिजिनेटर को मान के चल रहे हैं, सेंडर है। वेयर द सेंडर हैज नॉट एग्रीड विद द एड्रेसी, एड्रेसी मीन्स रिसीवर। वेयर सेंडर हैज नॉट एग्रीड विद द रिसीवर दैट एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बी गिवन इन ए पर्टिकुलर फॉर्म और बाय ए पर्टिकुलर मेथड, देन इन दैट केस एक्नॉलेजमेंट मे बी गिवन बाय एनी कम्युनिकेशन बाय द एड्रेसी ऑटोमेटेड और अदरवाइज। जहां पर सेंडर और रिसीवर के बीच में इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ कि सेंडर ने जो इंफॉर्मेशन भेजी है, जो रिकॉर्ड भेजा है, वो रिसीवर को मिल गया या नहीं मिल गया, इसकी रिसीवर उसे एक्नॉलेजमेंट दे, इसके लिए सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ। इस केस के अंदर रिसीवर एक्नॉलेजमेंट दे सकता है एनी कम्युनिकेशन बाय द एड्रेसी। एड्रेसी कुछ भी कम्युनिकेट करता है खुद या ऑटोमेटिक तरीके से या अदरवाइज, सेंडर ने रिसीवर को जो रिकॉर्ड भेजा है, रिसीवर ने उसको एक्नॉलेज कर लिया है। अगर एड्रेसी खुद कम्युनिकेट कर दे कि मुझे ये रिकॉर्ड मिल गया है, या ऑटोमेटिक तरीके से रिसीवर के कंप्यूटर से मैसेज आ जाए कि ये रिकॉर्ड मिल गया है, और अदरवाइज या कोई और तरीके से ये पता चल जाए कि रिसीवर के पास ये रिकॉर्ड पहुंच चुका है। सेकंड पॉइंट, रिसीवर के काम करने के तरीके से ओरिजिनेटर को एक इंडिकेशन हो रहा है कि रिसीवर को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मिल चुका है। मैं आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं,
सेकंड पॉइंट को इलाबरेट करने के लिए। सेंडर ऑफ ए मैसेज एक सेलर है, रिसीवर ऑफ ए मैसेज एक बायर है। सेलर ने बायर को कम्युनिकेट किया, अगर तुम मेरी कार 2 लाख रुपए में खरीदना चाहते हो तो मेरे अकाउंट के अंदर तुम कल 50,000 रुपया डिपॉजिट कर दो। सेंडर ने यह इलेक्ट्रॉनिक मैसेज रिसीवर को भेजा। इन अदर वर्ड्स, सेलर ने यह इलेक्ट्रॉनिक मैसेज बायर को भेजा। नेक्स्ट डे बायर ने बैंक अकाउंट के अंदर 50,000 रुपया ट्रांसफर कर दिया। इन दिस केस द कंडक्ट ऑफ द बायर, दैट इज एड्रेसी, इट इज सफिशियंट टू इंडिकेट। जैसे ही बायर ने सेलर के अकाउंट के अंदर 50,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो ये एक हमें इंडिकेशन देता है कि बायर को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मिल चुका है। आई मूव टू द सेकेंड पॉइंट, स्टिपुलेशन बाय द ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर ने कोई स्टिपुलेशन लगा दी, कोई टर्म लगा दी, कोई कंडीशन लगा दी है। जहां पर ओरिजिनेटर ने कोई कंडीशन लगा दी हो एक्नॉलेजमेंट के लिए, तो वहां पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 इज एप्लीकेबल। इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली, वेयर द ओरिजिनेटर हैज स्टिपुलेटेड दैट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी बाइंडिंग ओनली ऑन रिसीट ऑफ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय हिम, ओरिजिनेटर या सेंडर, इसने कंडीशन लगा दी कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मैंने तुम्हें भेजा है वो हम दोनों के ऊपर बाइंडिंग तब होगा जब तुम्हारी तरफ से मुझे एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी कि तुमने इसे रिसीव कर लिया। देन उस केस के अंदर, अनलेस एक्नॉलेजमेंट हैज बीन सो रिसीव, अगर सेंडर को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आती रिसीवर की तरफ से, तो हम ये मान के चलेंगे दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी डीम्ड टू हैव नेवर सेंट बाय द ओरिजिनेटर। स्टूडेंट, मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे। ओरिजिनेटर ने, सेंडर ने एक कंडीशन लगा दी, मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भेजा है, ये हमारे ऊपर तब बाध्य होगा, बाइंडिंग होगा, जब तुम मुझे ये बता दोगे कि तुम्हें यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मिल गया है। इस केस के अंदर अगर रिसीवर की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 कहता है ये मान लिया जाएगा कि सेंडर ने कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ओरिजिनेटर ने कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भेजा ही नहीं। द नेक्स्ट पॉइंट इज नो स्टिपुलेशन बाय द ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर ने अब कोई टर्म या कंडीशन नहीं लगाई। वेयर द ओरिजिनेटर हैज नॉट स्टिपुलेटेड, ओरिजिनेटर ने कोई भी टर्म या कंडीशन नहीं लगाई, दैट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी बाइंडिंग ओनली ऑन रिसीट ऑफ सच एक्नॉलेजमेंट, ओरिजिनेटर या सेंडर ने ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मैंने तुम्हें भेजा है वो हम दोनों के ऊपर बाइंडिंग तब होगा जब तुम मुझे इस बात की एक्नॉलेजमेंट दोगे, ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई। एंड द एक्नॉलेजमेंट हैज नॉट बीन रिसीव बाय द ओरिजिनेटर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, जो समय सीमा रखी गई थी उस समय सीमा के अंदर रिसीवर ने, एड्रेसी ने कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दी। इस केस के अंदर द ओरिजिनेटर मे गिव नोटिस टू द एड्रेसी स्टेटिंग दैट नो एक्नॉलेजमेंट हैज बीन रिसीव बाय हिम। ओरिजिनेटर या सेंडर ने कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं लगाई कि यह रिकॉर्ड बाइंडिंग तब होगा जब तुम्हारी तरफ से मुझे कोई एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी। रिसीवर की तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई जो समय रखा गया था उसके अंदर, या जो समय एग्री किया गया था उसके अंदर, या विद इन रीजनेबल टाइम रिसीवर की तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, और सेंडर ने एक्नॉलेजमेंट के लिए कहा भी नहीं था। उस केस के अंदर ओरिजिनेटर में गिव नोटिस टू द एड्रेसी, सेंडर में गिव नोटिस टू द रिसीवर कि रिसीवर की तरफ से सेंडर को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, स्पेसिफाइंग ए रीजनेबल टाइम बाय विच एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी रिसीव बाय हिम। अब वो समय स्पेसिफाई करेगा कि तुम इस समय अवधि के अंदर, इस रीजनेबल टाइम के अंदर मुझे एक्नॉलेजमेंट भेज दो। स्टूडेंट, मैं पूरी इस लंबी सी लाइन को आपके सामने समराइज कर रहा हूं। जब ओरिजिनेटर ने, सेंडर ने एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड के लिए कोई कंडीशन नहीं लगाई, और रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड दिया भी नहीं, उस समय सीमा के अंदर जो एग्रीड था, जो स्पेसिफाइड था, या जो रीजनेबल टाइम था, ना सेंडर ने एक्नॉलेजमेंट के लिए कहा, ना रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट को दिया, इस केस के अंदर ओरिजिनेटर अब एक नोटिस नया भेजेगा एड्रेसी को
और ये कहेगा कि तुम्हारी तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट मुझे नहीं आई। तुम इस समय के बीच में जो मैंने तुम्हें मैसेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भेजा है उसकी तुम मुझे एक्नॉलेजमेंट भेजो। इफ नो एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव विद इन द अफोरसेड टाइम लिमिट, अब जो समय सीमा तय कर दी गई एक्नॉलेजमेंट देने की, अगर उस समय सीमा के अंदर रिसीवर की तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, द ओरिजिनेटर मे आफ्टर गिविंग नोटिस टू द एड्रेसी ट्रीट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज दो इट हैज नेवर बीन सेंट। इस केस के अंदर ओरिजिनेटर एड्रेसी को एक नोटिस भेजेगा कि मैंने तुम्हें इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं भेजा। मैं इस सारे पॉइंट को समराइज कर रहा हूं। सेंडर ने रिसीवर को एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजा लेकिन कोई स्टिपुलेशन नहीं लगाई कि मुझे एक्नॉलेजमेंट दो। रिसीवर ने कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दी। जो समय सीमा रखी गई थी उसके अंदर या रीजनेबल टाइम के अंदर या जो एग्रीड अपॉन टाइम था उसके अंदर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। अब सेंडर रिसीवर को एक नोटिस भेज रहा है कि मैंने तुम्हें पहले एक रिकॉर्ड भेजा था, वो तुम्हें मिला या नहीं मिला तुम मुझे उसकी जानकारी दो। अगर अब भी रिसीवर की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती जो समय सीमा तय की गई है उसके अंदर, तो ओरिजिनेटर एक नोटिस भेजेगा एड्रेसी को कि मेरा वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो मैंने तुम्हें भेजा था जिसकी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई ये मान लिया जाए, इट हैज नेवर बीन सेंट टू यू। द ओरिजिनेटर मे आफ्टर गिविंग नोटिस टू द एड्रेसी, अब ओरिजिनेटर एड्रेसी को एक नोटिस भेजेगा कि ये रिकॉर्ड मैंने तुम्हें नहीं भेजा। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। स्टूडेंट पहले इस बात का मतलब समझिएगा, आज तक जो हमें पेपर बेस्ड पोस्ट आती थी वो या तो हमारे घर पे आती थी या ऑफिस पे आती थी, लेकिन आज के डेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हमें मेल के थ्रू आते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब मुझे आया तब मैं ना अपने ऑफिस में हूँ ना मैं अपने घर पर हूँ, मैं कार के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ और ये मेरे सेलफोन के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज आया। ये इलेक्ट्रॉनिक मैसेज किस टाइम पे भेजा गया और किस जगह पर भेजा गया, ये इलेक्ट्रॉनिक मैसेज किस जगह पर रिसीव किया गया, किस टाइम पर रिसीव किया गया, इसके रूल्स सेक्शन 13 के अंदर दिए गए हैं। Unless otherwise agreed between the originator and the addressee, originator sender, addressee receiver, अगर sender और receiver के अंदर किसी और प्रकार से agree किया गया तो बात अलग है, नहीं तो इसके अंदर the time of dispatch of electronic record occurs when it enters a computer resource outside the control of the originator। यहाँ पर हम एक electronic record को मानेंगे कि dispatch किया गया है जब ये किसी और के कंप्यूटर के अंदर एंटर कर जाता है जिसके ऊपर ओरिजिनेटर का सेंडर का कोई कंट्रोल नहीं है। द टाइम ऑफ डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अकर्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को तब डिस्पैच किया हुआ माना जाएगा, उस समय पर डिस्पैच किया हुआ माना जाएगा व्हेन इट एंटर्स ए कंप्यूटर रिसोर्स, जब ये एक ऐसे कंप्यूटर के अंदर एंटर कर जाए जहां पर कि ओरिजिनेटर का कोई कंट्रोल नहीं है, उस समय यह माना जाएगा कि यह रिकॉर्ड डिस्पैच किया गया है। सेकेंड पॉइंट, द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी डिटर्मिन एज फॉलो, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिसीवर ने कब रिसीव किया इसके लिए हमें रूल्स इस प्रकार से दिए गए हैं। इफ द एड्रेसी हैज डेजिग्नेटेड ए कंप्यूटर रिसोर्स फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अगर तो रिसीवर ने डेजिग्नेट किया हुआ है, रिसीवर ने डिमार्केट किया हुआ है, अलग किया हुआ है, बतलाया हुआ है कि मेरे इस कंप्यूटर के अंदर तुम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भेजो, उस केस के अंदर द रिसीट अकर्स एट द टाइम व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंटर्स द डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स, जो कंप्यूटर बतलाया है रिसीवर ने जब उस कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंटर कर जाता है तो हम ये मानेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की रिसीवर को रिसीट हो गई। सेकेंड पॉइंट, इफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज सेंट टू ए कंप्यूटर रिसोर्स ऑफ द एड्रेसी दैट इज नॉट डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स, रिसीट अकर्स एट द टाइम व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज रिट्रीव बाय द एड्रेसी। सेकेंड पॉइंट को अंडरस्टैंड कीजिएगा, रिसीवर ने यह कहा है कि मेरे कंप्यूटर नंबर ए के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भेजो,
लेकिन सेंडर ने कंप्यूटर नंबर बी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भेज दिया। उस केस के अंदर रिसीवर के द्वारा रिसीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तब मानी जाएगी जब रिसीवर कंप्यूटर बी से उस रिकॉर्ड को रिट्रीव कर लेगा। मैं आपके सामने इस पर्टिकुलर एग्जांपल को टेकअप कर रहा हूं। हमारे पास ये सेंडर का कंप्यूटर नेटवर्क है और ये रिसीवर का कंप्यूटर नेटवर्क है। सेंडर ने अपने कंप्यूटर नेटवर्क से रिसीवर के नेटवर्क पर कुछ इंफॉर्मेशन को, कुछ रिकॉर्ड को भेजना है। रिसीवर ने बता दिया कि मेरा ये ग्रीन वाला ये कंप्यूटर डेजिग्नेटेड है, तुम रिकॉर्ड यहां भेजो। जब रिकॉर्ड इस कंप्यूटर के अंदर एंटर कर जाएगा तो हम मानेंगे ये रिकॉर्ड रिसीव हो गया रिसीवर के द्वारा, एड्रेसी के द्वारा ये रिकॉर्ड रिसीव हो गया। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल के अंदर आप देखिएगा, रिसीवर ने अपने इस कंप्यूटर को डेजिग्नेट किया है और ये कहा है सेंडर को कि तुम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मुझे इस कंप्यूटर के अंदर भेजो, लेकिन सेंडर ने रिकॉर्ड भेज दिया एक नॉन डेजिग्नेटेड कंप्यूटर को, जिसके अंदर आप ये रेड सर्कल देख रहे हैं, इस कंप्यूटर पे भेज दिया। इस केस के अंदर हम ये मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिसीवर ने रिसीव कर लिया, जब रिसीवर इस कंप्यूटर से इस रिकॉर्ड को रिट्रीव करेगा। तो स्टूडेंट, यहां पर हमने दो बातें कही। अगर तो डेजिग्नेटेड कंप्यूटर है तो जैसे ही एंटर कर जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो हम रिसीवर के द्वारा रिसीट मान लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नॉन डेजिग्नेटेड कंप्यूटर के अंदर एंटर किया है तो उस केस के अंदर जब तक रिसीवर इसको फिजिकली इस रिकॉर्ड को बाहर नहीं निकाल लेता तब तक हम ये मानेंगे नहीं कि रिसीव ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिसीव हो चुका है। अब स्टूडेंट, मैं सेकेंड पॉइंट को टेकअप कर रहा हूं। अभी आपने थोड़ी देर पहले यहां पर ये फर्स्ट पॉइंट को देखा जहां पर कंप्यूटर हमने डेजिग्नेट कर दिया था, या तो हमने कंप्यूटर को डेजिग्नेट किया हुआ है। सेकेंड पॉइंट के अंदर एड्रेसी ने रिसीवर को किसी भी कंप्यूटर को डेजिग्नेट नहीं किया हुआ कि इसके अंदर रिकॉर्ड भेजा जाए। इफ द एड्रेसी, इफ द रिसीवर हैज नॉट स्पेसिफाइड डिमार्केटेड, अगर रिसीवर ने अलग नहीं किया एक पर्टिकुलर कंप्यूटर एक स्पेसिफाइड टाइमिंग के अंदर कि इसके अंदर रिकॉर्ड भेजा जाए। रिसीट अकर्स उस केस के अंदर जहां पर एड्रेसी ने कोई कंप्यूटर डेजिग्नेट नहीं किया। रिसीट अकर्स व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंटर्स द कंप्यूटर रिसोर्स ऑफ द एड्रेसी। उस केस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर रिसीवर के किसी भी कंप्यूटर में एंटर कर जाता है तो ये हम मानेंगे कि ये रिसीव हो गया। इस केस के अंदर कोई भी कंप्यूटर डेजिग्नेटेड नहीं है। सेंडर के कंप्यूटर नेटवर्क से एक मैसेज आया रिसीवर के कंप्यूटर नेटवर्क पे, और ये मैसेज जब कोई भी कंप्यूटर डेजिग्नेटेड नहीं है तो ये जो पर्पल वाला सर्कल है इस पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर मैसेज चला गया, तो हम ये मान लेंगे कि रिसीवर के द्वारा इसकी रिसीट हो गई है। नाउ द थर्ड पॉइंट, एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज डीम्ड टू बी डिस्पैच्ड एट द प्लेस वेयर द ओरिजिनेटर हैज हिज प्लेस ऑफ बिजनेस। स्टूडेंट, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सेंडर बस के अंदर ट्रेवल कर रहा है और उसने अपने लैपटॉप से या उसने अपने सेलफोन से एक ईमेल को भेज दिया। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रेवल करते हुए भेजा गया है, लेकिन यहां पर हम मानेंगे कि ओरिजिनेटर ने ये रिकॉर्ड ट्रेवल करते हुए नहीं भेजा बल्कि अपने प्लेस ऑफ बिजनेस से भेजा है। एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज डीम्ड टू बी डिस्पैच एट द प्लेस वेयर द ओरिजिनेटर हैज हिज प्लेस ऑफ बिजनेस एंड इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड एट द प्लेस वेयर द एड्रेसी हैज हिज प्लेस ऑफ बिजनेस। एड्रेसी एक पार्टी के अंदर किसी होटल के अंदर है और उसे अपने सेलफोन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज मिलता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये उसे होटल के अंदर मैसेज नहीं मिला बल्कि रिसीवर को उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे ये मैसेज मिला है। अब मैं आपके सामने इस सेक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें ले रहा हूं। आप देख रहे हैं कि सेंडर या रिसीवर ने अगर अपने प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर मैसेज को रिसीव किया अपने सेलफोन या लैपटॉप पे, तो ये माना जाएगा सेंडर ने अपने प्लेस ऑफ बिजनेस से भेजा है और एड्रेसी के प्लेस ऑफ बिजनेस पर ही रिसीव हुआ है। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं। इफ द ओरिजिनेटर आर एड्रेसी हैज मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस, एड्रेसी की भी दो तीन जगह है बिजनेस की और ओरिजिनेटर सेंडर की भी दो तीन जगह है
बिजनेस चलाने की. इन दैट केस द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस शैल बी द प्लेस ऑफ बिजनेस. जो इनका मेन बिजनेस प्लेस होगा हम उसी को ही इसका प्लेस ऑफ बिजनेस मानेंगे. इफ द ओरिजिनेटर आर द एड्रेसी डज नॉट हैव ए प्लेस ऑफ बिजनेस हिज यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस शैल बी डीम्ड टू बी द प्लेस ऑफ बिजनेस. अगर ओरिजिनेटर या एड्रेसी का कोई ऑफिस नहीं है, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो जो इनका यूजुअल रेजिडेंस है, अगर दो तीन रेजिडेंस भी हैं सेंडर और रिसीवर के, तो जिस पर्टिकुलर जगह के ऊपर इन जनरल ये ज्यादातर रहा करते हैं, ये इनका प्लेस ऑफ बिजनेस मान लिया जाएगा. सो बी पॉइंट के अंदर अगर ओरिजिनेटर या एड्रेसी का कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो ओरिजिनेटर और एड्रेसी, सेंडर और रिसीवर, इन दोनों के यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस को इनका प्लेस ऑफ बिजनेस हम मानेंगे. सी पॉइंट, यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंट इन रिलेशन टू ए बॉडी कॉर्पोरेट. कंपनी से रिलेटेड अगर ये कोई क्वेश्चन है, तो हम ये मानेंगे जिस जगह पे ये कंपनी रजिस्टर्ड है वो उसका यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस है. इसके लिए हमने इन इन रिसोर्सेस को यूज किया है. थैंक यू वेरी मच.